हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ब्लैक सूट डाला है, तो सबको दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा इतना सा बिजी हूँ और आई होप कोशिश करूँगी कि मैं शायद आज इसी सूट में वीडियो डालूँ, क्योंकि आज मेरे को भाई ने घर पे बुलाया है, क्योंकि वो कुछ ज़मीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए और उनकी सौदाबाजी वगैरह करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि टाइम से आ जाना। इसलिए आज कोई यहाँ पे वीडियो तो बनाऊंगी नहीं, बाहर ही बनाऊंगी अगर मिला टाइम तो, डेफिनेटली। और चलते हैं, और आज का ब्लॉग है ना भाई के घर का ही रहेगा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं माइके को, तो और उनके साथ ही इंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं और बनाते हैं। और कमेंट का जवाब भी मैं देना है मुझे 5-6 कमेंट लेटेस्ट में, बहुत ज़बरदस्त आए पड़े हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। Let's go! जिस किसी भाई को मिलना है तो वहीं आ जाओ, आज मैं नागिन बन के दिखा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली बसंत के पास और निम्मू के पास। तो निम्मू और बसंत हमें ले जा रहे हैं अपनी जहाँ पे ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हम इनके साथ जा रहे हैं। मुझे चक्कर में घुमाया। गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फार्म पे, तो जहाँ पे भैया ले रहे हैं, वो जिसमें पानी भरा हुआ वो वाला खेत भैया ले रहे हैं। और भैया के खेत के पास है ना ये रेल लाइन है, और जहाँ पे मैंने अभी 2-3 वीडियो शूट की है। तो निम्मू कैसा एरिया भाई ये? बढ़िया है, बहुत खुला हुआ है। बहुत खुला हुआ है, बहुत बढ़िया है। और अब मैं भी जब इनके खेत पे आया करूँगी तो आपको ये वीडियोस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। गुरमांशु हेलो बोलो। हेलो हेलो। तो ये मेरा प्यारा सा छोटा सा भतीजा है, और हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, खेत देखने के लिए। खेत जो मेरे भैया ले रहे वो वाले देखो, वो खड़े दूर वहाँ पे। हाँ बाबा दूर खड़े हैं। तो दोस्तों, अभी हम भाई के यहाँ से आए थे, अब मैं अपने घर आ गई हूँ, और अपने घर से मैं अब वीडियो शूट करने जा रही हूँ। और आज मैंने ये वाले थोड़े वेस्टर्न टाइप के कपड़े डाले हुए हैं, जिसमें आप मेरी वीडियोज़ देखोगे। तो दोस्तों, मेरा जो कमेंट है वो है यूनुश, मतलब वो मुसलमान है, उनके लिए उन्होंने बोला आप सोनिया नहीं, आप सोना 24 कैरेट गोल्ड हो। थैंक यू जी आपको, थैंक यू और लव यू आपको, बहुत बड़ा थैंक यू है आपको। और एक व्यूवर्स बोल रहे हैं कि आप है ना मेरी फरमाइश का गाना शूट नहीं कर रही हो, कई दिन से उनके मैसेज आ रहे हैं, भाई मैं आपके फरमाइश का गाना आज शूट करूँगी, बट आप है ना अपने आईडी पे अपना नाम भी लिखे, जिससे मैं आपका नाम लूँ और आपको मैं मतलब अपने फैंसों से जानकारी दिलवाऊँ, क्योंकि मेरे फैंस बहुत चाहते हैं कि हमारा भी नाम लें। तो आप अपनी आईडी पे प्लीज़ किसी से नाम लिखवाएं। तो कमेंट है वो है लखन राजपूत की जी के लिए। लखन राजपूत जी ने बोला है कि मेरे एक फरमाइश है उस गाने पे बनाए, फरमाइश है बड़ा दुख दीना। तो बहुत ही अच्छा वो है, वो सॉन्ग माधुरी दीक्षित का बड़ा दुख दीना, जैकी श्रॉफ है लग और आके 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 अभी ना आके करवाएंगे, अभी नहीं, अब टाइम ही नहीं है, मैं फिर कभी किस टाइम करूँगी काम। बेसी बल भले ए सी बंद कर दो प्लीज़। तो अभी पेट्रोल डलता गाड़ी में, पर मैंने मना कर दिया है, हम बिना ए सी के जाएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 2 वीडियो भी डालूंगी तो वो भी मेरे लिए बहुत है। तो लेट्स गो, चल रहे हैं। अगला जो कमेंट है वो है राजू सोनी जी के लिए। राजू सोनी जी ने बोला है कि आप डांस कर रही हो तो आप पहले अपना पेट कम करें। तो मैं पहले उसे, भैया मेरा पेट कम हो या ना हो पर तू अपनी सोच कम कर ले, क्योंकि ना जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना इतना कोई नहीं कर सकता, और जितना मैंने वेट तोड़ा है ना कोई भी नहीं तोड़ सकता। मैंने 18 किलो अपने अंदर से वजन तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं अपना पेट कम नहीं कर रही, तू अपना पेट कम कर और मैं और बढ़ाऊंगी। हस्बैंड कह रहे मैं अपना पेट और बढ़ाऊंगी। तो भैया मैंने पहले बताया कि आप अपनी सोच बदले, वेट डज नॉट मैटर, और आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए। तो राजू सोनी जी, आप अपनी सोच बदले प्लीज, ऐसा ना करें, ट्रोल है, क्योंकि ये भी एक तरह की गाली है। हम किसी को गाली देने के समान ही होता है, किसी को काला कहना, किसी को मोटा कहना, किसी को जजमेंट करना ना, वो एक गाली देने के समान है। प्लीज ऐसा ना करें आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज
किसी को जजमेंट ना करें।